तो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पर अगर तुमने एक गलत स्टेप लिया तो पूरी लाइफ तुम सफर करोगे। तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। टेंशन लेना, थोड़ा स्ट्रेस लेना शुरू करो। सोचो कौन सी स्ट्रीम लेनी है यार, अभी गलत ले लिया ना डिसीजन तो बाद में पूरी लाइफ सफर करोगे यार, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तो ये सब जो मैंने बोला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभन निर्वाण और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 11 12th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है उसके बारे में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसा जो मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा भाई कोई भी स्ट्रीम लेके बैठा हो, तुम्हारा बड़ा भाई है उसने कोई भी स्ट्रीम लियो, तुम्हारे पापा या मम्मी ने कोई भी स्ट्रीम लियो, तुम्हारा दादी दादी ने कोई दादा दादी ने कोई सी स्ट्रीम लियो, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार ने कोई सी स्ट्रीम लियो, तुम्हारे दोस्त ने कोई स्ट्रीम लियो, तुम्हारी गली के किसी बच्चे ने कोई स्ट्रीम ली है, या फिर तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है उसने कोई स्ट्रीम लिया है, इन सब चीजों को छोड़ो यार। क्यों? क्योंकि यार क्या है ना, हमारे देश में ना, हमारे थोड़ा जो सोसाइटी है ना, इसमें एक चीज ऐसी बना रखी है कि भाई तुम्हारे जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं ना, जो टॉपर होता है उसे साइंस लेनी चाहिए, उससे नीचे वाला जो होता है ना वो कॉमर्स लेता है, और जो बिल्कुल खत्म होता है वो आर्ट्स लेता है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ये सब चीजें ना, ये मिथ ये एक सोसाइटी में बना के रख रखा है जिससे हमें अलग जाना है। हमें ये सब चीजों को नहीं सोचना, हमें अपने बारे में सोचना है। यार मेरा ना क्या, एक दोस्त क्या मेरा एक सीनियर था मेरे स्कूल में, ठीक है, वो 10th तक फोड़ रहा था। फोड़ मतलब तुम कहते हो ना कि टॉपर, उसकी भाई अखबार में फोटो आती थी मिठाई खिलाते हुए, वो वाला टॉपर था वो, है ना। मतलब हमारे लिए आइडल था वो, हमारे लिए ऐसा था कि भैया यही है, हमारे ये भैया है, ये बस टॉप है। उन भैया ने 11 12th में आर्ट्स ली थी, पर हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि भैया हमारी सोसाइटी में तो ऐसा था, जैसे सब बोलते थे कि यार जो बच्चा टॉपर है उसे साइंस लेता है, वो तो उसका तो पक्का है कि साइंस ही लेगा, पर उन्होंने आर्ट्स ली। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा भैया यार बताओ ना यार, तुमने साइंस क्यों नहीं ली, मतलब आपके तो इतने अच्छे नंबर आते थे, आपको तो आराम से साइंस मिल सकती थी, तो आपने आर्ट्स क्यों ली। उन्होंने कहा हाँ मेरा मन नहीं था यार, मेरा आर्ट्स में मन करता है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ और बताओ, कुछ तो रीज़न है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल आ जा बताता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा ना, उन्होंने कहा यार मेरा एक गोल फिक्स्ड है, है ना, उस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, पर उसमें से सबसे आसान जो रास्ता था ना वो था आर्ट्स, क्योंकि उस गोल के लिए मेरे को टाइम चाहिए था। मेरे को ये था कि अगर मैं साइंस ले लूंगा या मैं कॉमर्स ले लूंगा तो शायद मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड रहूं, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि उस गोल के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, उस गोल के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो चीज़ करना। तो उन्होंने कहा यार मेरे को लगा कि मेरे को आर्ट साइड से जाने के लिए जाऊंगा तो मेरे को टाइम उस चीज के लिए ज्यादा मिलता रहेगा। तो उनके दिमाग में क्या था कि यार उनका गोल एक फिक्स था कि भाई ये गोल निकालना है, अब मैं इस रास्ते से जाऊं चाहे इस रास्ते से जाऊं, पर मैं दिमाग लगा के आसान रास्ते से जाऊंगा तो वो गोल निकालने में आसानी होगी। अब वो गोल कुछ भी होगा उनका, अभी शायद उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बात नहीं हुई, पर उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया ना, उन्होंने सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उससे अलग हटके वो एक डिसीजन पे आए कि नहीं यार मेरे को अपनी मेरी लाइफ है, मेरे को अपनी तरह जीनी है, मैं किसी के दबाव में आके नहीं लूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसलिए वो वाली स्ट्रीम चूज करी। तो तुम्हारा क्या है ना, गोल फिक्स होना चाहिए बस, मतलब मेरा ये गोल है, इसको करने के लिए रास्ते ढूंढूंगा, इस चीज से ये सीखो कि भाई ये गोल मेरा फिक्स है, इसको करने के लिए मैं रास्ते ढूंढूंगा और जो सबसे आसान रास्ता होगा उस पर चल के उसको फोड़ दूंगा, ये करना है तुम्हें। तो यार ये मत सोचो कि भैया इस फील्ड में तो करियर नहीं है, इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, इस फील्ड में स्कोप है तो ऐसा करते हैं ये कर लेते हैं, ये मत सोचो यार, हर फील्ड में स्कोप है। मैं कह रहा हूं हर फील्ड में स्कोप है। कभी यार कभी तुम जब बचपन में, जब मैं था ना तो बचपन में मैंने जब गेम वेम खेलता था थोड़े बहुत, तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया कि भाई कोई बंदा गेमिंग में करियर बना सकता है और वो $1 billion कमा सकता है। कोई बंदा गेमिंग में करियर बना के $1 billion कमा सकता है। तो अब क्या है, अब जो लोग गेमिंग में करियर बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, एक बंदे ने पहले वो गोल को, अपने गोल, उसका गोल था कि मैं गेमिंग में करियर बना के दिखाऊंगा, मैं उसमें भी पैसे निकाल के दिखाऊंगा, उसने वो गोल को फिक्स करा, एक पाथ पे चलते हुए उस गोल के लिए पीछे गया, ठीक है, और वो उस जगह जाके उसने फोड़ दिया, मतलब वहां पे जाके उसने उस पे स्कोप बना दिया, तो उसने उस चीज में करियर बनाया, वो एक पहला बंदा था। तो अब जो और बंदे आए उन्होंने देखा अच्छा गेमिंग में भी करियर होता है, तो उन्होंने देखा अच्छा जो बंदा वहां बैठा है उसने कौन सा पाथ फॉलो करा था, तो वो उस पाथ को फॉलो कर करके तुमने क्या करा, उस गेमिंग में करियर बना दिया। तो तुम्हें पाथ को फॉलो नहीं करना, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसमें तुम समझते हो यार मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूं बट उसमें कोई करियर स्कोप नहीं है, तो यार ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तुम खुश हो जाओ, तुम नाचने लग जाओ,
क्यों? क्योंकि तुम एक पाथ क्रिएटर बन सकते हो, ना कि पाथ फॉलोअर। तुम एक पाथ क्रिएट कर सकते हो कि भाई हाँ, इसमें अभी तक कोई करियर नहीं था, पर मेरे आने के बाद मैंने वहां पे एक करियर बनाया, मैंने एक करियर फोड़ा। अब लोग मेरे को देख के उस पाथ पे चल के, जिस पाथ पे मैं चला, उस पाथ पे चल के उस पे करियर बना सकते हैं। जानते हो संजीव कपूर को? जानते हो? हाँ, उन्होंने उस चीज में भी करियर बना दिया जिस चीज में लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत छोटी सी जॉब है, बावर्ची वाली जॉब है, तो ये क्या होता है। उन्होंने उस चीज को इतना स्पेशलाइज कर दिया कि अब बंदे उनको एक आइडल मान के पीछे चलते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है तो तुम एक आइडल बन सकते हो लोगों के लिए, है ना। ये नहीं कि उस चीज में स्कोप नहीं है, तुम उस चीज में स्कोप बना के दिखाओ, तुम ऊपर जा सकते हो और उसके बाद तुम्हारे पीछे लोग अपने आप आएंगे, तुम एक आइडल बन जाओगे। तो हर फील्ड में स्कोप है, जिस चीज को तुम्हें इंटरेस्ट है हर चीज में तुम स्कोप बना सकते हो, इस चीज की गारंटी होती है। तो मान लो कि तुम्हें गेमिंग में करियर बनाना है, अभी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं हमें गेमिंग में करियर बनाना है, मुझे गेमिंग में करियर बनाना है, मान लिया। तो भाई गेमिंग मेरा करियर है, उसके लिए मुझे क्या आनी चाहिए? उसके लिए मुझे गेमिंग आनी चाहिए, मतलब मुझे गेमिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो गेमिंग क्या है? मेरा बेस है, मतलब मेरे को गेम आना चाहिए भाई, जब भी मैं गेमिंग फोड़ पाऊंगा तो मेरे को एक बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर मेरे को गेमिंग करनी है। ऐसे ही हर फील्ड में है। मान लो तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें इंजीनियर के लिए एक बेस तैयार करना पड़ेगा, जब तुम उस चीज को फोड़ पाओगे। इंजीनियर के लिए तुम्हें मतलब पीसीएम तैयार करनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छी करनी पड़ेगी, तो तुम्हें अपना बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पीसीबी अच्छी करनी पड़ेगी, तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स उसके लिए नेसेसरी है उसमें फोड़ना पड़ेगा, उसका बेस अच्छा बनाना पड़ेगा। तो यही है कि भाई तुम्हें कोई भी एक फील्ड जो तुम्हारा गोल है उसको अचीव करना है तो उसका बेस बनाने के लिए तुम्हें अभी एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बस इतनी सी है स्ट्रीम सिलेक्शन में, इतना कुछ नहीं है। बस जिस गोल को तुम फोड़ना चाहते हो उसके लिए क्या बेस की जरूरत है, क्या फर्स्ट स्टेप की जरूरत है, वो तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, कई बच्चों को क्या होता है कि गोल अभी फिक्स नहीं होता, मेरा भी नहीं था कुछ ऐसा फिक्स अभी तक। तो मैं तो क्या करोगे कि जितने भी करियर है उनको एक बार देखोगे, नाम पढ़ोगे, अच्छा गेमिंग में, कई बच्चों को नहीं पता होगा गेमिंग में करियर होता है तो वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, ठीक है, वो हर जगह देखेगा, अच्छा भाई इस चीज में भी करियर बनता है। पर इसके लिए क्या चाहिए, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंजीनियर बनने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्टर बनने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस चीज को एक्सप्लोर करके वो कहेगा कि अच्छा मेरे को इंजीनियर बनना है तो ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट अभी इस समय तुम्हारे लिए है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो अभी मैं कुछ करियर ऑप्शंस जो कि पॉपुलर है, ठीक है, अगर मैं बढ़ने लग जाऊं तो चार पांच बोर्ड भर जाएंगे, इतने करियर ऑप्शंस हैं, पर चार पांच का मैं तो कह रहा हूं और भी भर सकते हैं, पर कुछ पॉपुलर जो कि मानते हैं लोग कि इसमें जा रहा है बच्चा तो ये पॉपुलर है, क्या पता यही करे, वो सारे मैं बता रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत है जो कि हम सर्च करेंगे बाद में बताएंगे। तो देखो तीन तरह की तुम्हारी स्ट्रीम है, तुम्हारे सामने इस समय तीन तरह की स्ट्रीम आएंगी, पहली आएगी साइंस, दूसरी आएगी कॉमर्स और तीसरी होगी आर्ट्स। इतना तो हर बच्चे को पता है, ठीक है भाई, दसवीं में बच्चा है उसे भी पता होता है, पूरी क्लास में बात चल रही होती है कौन सी लेगा। तो ये बात है। अब एक देखो जिस पहले से जिसका मन बन चुका है कि मेरे को ये लेनी है तो वो उधर स्किप करके उसके करियर ऑप्शन देख लेना। मैं तीनों को ब्रीफली समझा रहा हूं, ऊपर से समझा रहा हूं, उसके बाद हर चीज पे एक एक वीडियो आएगी, पूरी एक सीरीज बनानी है, ठीक है, पूरा एक फोड़ देना है, मतलब ठीक है हर चीज के बारे में एक डिटेल में वीडियो बाद में बनती रहेगी। अभी ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं कि देखो ये चीज आने वाली है, बस अब तो फोड़ना है। साइंस है, साइंस में दो स्ट्रीम वापस आ जाती है, साइंस में दो ऑप्शन आते हैं तुम्हारे पास, एक होता है नॉन मेडिकल, एक होता है मेडिकल। समझ में आ रही, इतना समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझो। नॉन मेडिकल में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, मेडिकल में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश। तो हमें अंतर क्या दिखा, हमें अंतर दिखा कि मैथ्स और बायो का अंतर है। तो यही है कि भाई जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मैथ्स ले लो, जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी ले लेगा। एक स्ट्रीम और होती है जो कि बच्चे कई स्कूल्स में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, मतलब वो मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं जिससे वो समझते हैं कि उनके लिए करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मेरी खुद की मैं अपनी बताऊं तो यार ना लेना, ठीक है, तुम मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, मैथ्स अकेली इतनी बड़ी है, बायोलॉजी अकेली इतनी बड़ी है, ठीक है, किसी ने दिमाग लगा के उनको अलग करा होगा, अब तुम उसको जोड़ोगे, ठीक है, उसमें घुसना चाहोगे जिससे भाई मेरे करियर ऑप्शंस बढ़ जाएं, तो उससे करने से ना बाद में परेशानी हो सकती है। भाई जो टॉपर बच्चा है, जो एक बहुत अच्छे स्किल वाला बच्चा है, वो फोड़ सकता है हर दोनों में, पर कई बच्चे यार नहीं बैलेंस कर पाएंगे मैथ्स और बायोलॉजी, अगर मेरे से बोलते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैथ्स और बायोलॉजी को एक साथ मत लेना, मेरी ये राय है, ऊपर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, ये होता है नॉन मेडिकल और मेडिकल का सिलेबस। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सीएस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, इन चारों में से एक सब्जेक्ट तुम्हें लेना होता है दोनों के लिए, ठीक है। अगर तुम ये ले रहे हो तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऐसे इसमें समझ में आ रही है इतनी। अब बात करते हैं इनकी करियर ऑप्शंस के बारे में। भाई अगर तुम नॉन मेडिकल ले रहे हो ना, तो हमारे पास जो पॉपुलर करियर्स हैं, जो पॉपुलर माने जाते हैं, वो है पहला तो इंजीनियरिंग, जो कि 80% बच्चा ऑप्ट करता है। अगर किसी बच्चे को बता दो, किसी बड़े को बता दो कि भाई तू साइंस ले रहा है, अच्छा नॉन मेडिकल से कर रहा है, अच्छा मतलब इंजीनियरिंग कर रहा होगा, तो ये कुछ पॉपुलर होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में बोलते हैं इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर, डिफेंस, बीएससी, कोई भी एक सब्जेक्ट तुम्हारे चॉइस का, बीबीए, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एनडीए, एजुकेशनल एंड टीचिंग। तो ये सारे ऑप्शंस जो है, ये करियर ऑप्शंस है हमारे पास नॉन मेडिकल के, ओके। अब बात करें मेडिकल के बारे में, ठीक है, तो ये अभी ऊपर ऊपर से इसके साथ बहुत सारे हैं, ठीक है, ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि भाई ये ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, पर ये कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। अब मेडिकल की बात करें तो इनमें करियर डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, बीएससी इन एनी वन सब्जेक्ट, फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, एजुकेशनल और टीचिंग, ठीक है। इन दोनों में एक और एक कॉमन होता है, जो कि होता है साइंटिस्ट, जैसे इसरो, डीआरडीओ में तुम लग गए, ठीक है। साइंटिस्ट तक जाने में बहुत सारे पाथ हैं, पर ये भी एक पाथ है साइंटिस्ट बनने का, ठीक है। तो ये सारे हैं, जैसे जो बीबीए होता है, बीबीए का मतलब क्या है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। और सारे ऑप्शंस भी हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, साइंस की एक अलग वीडियो, कॉमर्स की एक अलग वीडियो, आर्ट्स की एक अलग वीडियो बना के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को, भाई देखो हर एक की नॉलेज तो नहीं है, पर मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि मैं डिफेंस सर्विसेज का एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, एनडीए की एक वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने तो नहीं निकाला एनडीए, ठीक है, तो तुम कहोगे भैया आपको कैसे नॉलेज है, तो यार तुम क्या करोगे, तुम भी किसी बंदे से जाके पूछोगे, किसी एक बंदे से पूछोगे, फिर कोरा पे सर्च करोगे, फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे, फिर गूगल पे सर्च करोगे, तो तुम अपने 10-20 घंटे इस चीज में दोगे। वो 10-20 घंटे मैं अपने आप देके तुम्हें एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो बस इतनी सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने जो चीज निकाली है जरूरी है उस पर वीडियो बनाऊं, मैं सारी रिसर्च करके तुम्हें सही से सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये आ गए तुम्हारे साइंस के पूरे जो मैंने बताए हैं करियर्स। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, और अदर जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। कॉमर्स भी विदाउट मैथमेटिक्स भी बच्चे ले लेते हैं। अब बात करें पॉपुलर करियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें है जो सबसे ज्यादा बच्चे, मतलब जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है उनका ज्यादातर बच्चों का गोल ये रहता है कि भाई मेरे को सीए निकालना है, ठीक है, सीए फोड़ना है, उन्हें सीए बनना है। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, बीबीए बीबीएम इसमें भी कर सकते थे, इसमें वाले सब्जेक्ट ले कर सकते हो तुम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिग्री कोर्सेज कर सकते हो, कोई मैथमेटिक्स में डिग्री कोर्स कर लेता है इसमें, बहुत सारी चीज मैं कह रहा हूँ ना, अभी तुम देखोगे, जर्नलिज्म है, इवेंट मैनेजमेंट है, बीए इन वेरियस आर्ट कोर्सेज होता है, बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अभी सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में सब एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग वीडियो बना के, क्योंकि इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम अभी एक बार सेलेक्ट कर लेना, फिर उसकी वीडियो, भाई ऐसा तो नहीं कि एक बारी में तुम ये चलो भाई मैं तो लॉ करूंगा, ऐसा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, तुम 4-5 चीजें सेलेक्ट करोगे कि यार ये सारे मेरे मतलब की लग रही है, अब इन पे जो जो वीडियोस बनेंगी उनको एक्सप्लोर करोगे, फिर उनमें से एक चीज सेलेक्ट कर लोगे। तो ऐसे देखना है, बीए इन वेरियस आर्ट ये हो गया, बीएफए बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एजुकेशन और टीचिंग, एजुकेशन और टीचिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसे बहुत सारे कुछ करियर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं बहुत सारे में, मतलब उनके लिए ना कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं होती, वो भी एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें कि ऐसे कोर्सेज होंगे जो कि तुम्हारे कोई भी तुम स्ट्रीम ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स में तुम्हारे पास सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इंग्लिश, ठीक है। इसका अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, मैं हट रहा हूं, देखो हाँ, तो इसमें पॉपुलर करियर अपॉर्चुनिटीज जो है, देखो अदर में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा जो तुम अदर्स में लेते हैं बच्चे। अब पॉपुलर करियर ऑप्शंस देखें, लॉ, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, होटल मैनेजमेंट, बीए जो कि 3 साल का होता है, बीबीए, बीएमएस, बीएफए यहाँ पे बताया था, एजुकेशन और टीचिंग, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री के बाद कोई भी बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ले सकता है, ये खाली इसके लिए नहीं है, तीनों के लिए है कि भाई अगर तुम कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बहुत सारी ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब आ जाती है। भाई बच्चों को होता है ना कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस करनी है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी प्रेस्टीजियस
जॉब मानी जाती है हमारी सोसाइटी में, मानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आर्म फोर्सेस, रेलवे की जॉब, रेलवे में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देगा, म्यूनिसिपल बॉडीज एक्सेट्रा करके बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ यही नहीं है, 10-20 बोर्ड भर जाएंगे अगर मैं सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बताना चाहूं, ठीक है। तो तुम एक पहले तो एक स्ट्रीम सेलेक्ट करो, उसमें सारे करियर ऑप्शंस देखो, तुम गूगल पे देखोगे तुम थक जाओगे, वैसे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना दायरा बढ़ाना है, ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेस देके थोड़ा सा सुनना ध्यान से, तुम्हें अपना दायरा बढ़ाना है, ठीक है। एक बार क्या था ना, एक छोटी सी स्टोरी अगर मैं सुनाऊं जिससे माइंड खुल जाएगा। एक तोता था, ठीक है, तोता एक पिंजरे में था, ठीक है, पिंजरे में बंद था अपने बचपन से। बाहर से एक पंछी आता है, उनके घर में घुस जाता है जिसमें घर में वो था, और घर में आके कहता है कि यार तू यहाँ क्यों बैठा है, तू चल ना बाहर चलते हैं आसमान में, बहुत बड़ा है वो, तो बहुत मजा आएगा वहाँ पे, बहुत तेरे पास पूरी फ्रीडम होगी। कह रहा अच्छा आसमान कितना बड़ा होता है, तो उसने कहा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, पंछी ने कहा। तोते ने कहा अपना जो पिंजरा था, मान लो इतना पिंजरा है उसका, तो वो इस कोने में बैठा था, उसने कहा अच्छा इतना बड़ा होता है, मतलब इधर से इधर तक होता है। कह रहा नहीं यार इससे भी बड़ा होता है। तोते ने कहा अच्छा यहां से लेके यहां तक होता है, वो पिंजरे के बीच तक आ गया, इतना बड़ा होता है। कह रहा नहीं यार, उसने कहा, तोते ने एक एंड से लेके दूसरे पिंजरे के दूसरे एंड तक पहुंच गया। तो उसने पूछा तोते ने कि बता इतना बड़ा होता है, तो पंछी ने कहा नहीं भाई बहुत बड़ा होता है, तू एक बार चल। तो हमारा क्या है ना, हमारा ऐसा ही है, हमारी लाइफ में ना कुछ दायरे होते हैं जिसमें हम कैद होते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाते। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाना है भाई, तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। खाली इंजीनियर, मैं नहीं कह रहा इंजीनियर डॉक्टर खराब है यार, ठीक है, मैं खुद एक इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो पर तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ठीक है। खाली ये चीजें नहीं है, तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हारा जो दायरा है, जैसे तोते का क्या था, तोते को लगा कि बस इतनी ही दुनिया है, बस जितना पिंजरा है इतनी दुनिया होती है, पिंजरा उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी, पर दुनिया उससे भी और बहुत बड़ी है। तो करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस उन्हें एक्सप्लोर करने की देरी है, उन्हें एक बार आसमान को देखने की देरी है। देखोगे बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ, डिस्कस करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो, ठीक है। वो कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे कि नहीं ये करना है ये करना है, ठीक है। उन्हें एक बार समझाओ कि देखो पापा ये चीजें हैं, देखो मम्मी ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे। उनको भी एक बार आसमान दिखाओ कि देखो पापा ये सारे करियर ऑप्शंस हैं, है ना। वो एक बार समझेंगे, वो उस पर रिसर्च करेंगे, पूरी रिसर्च करके उनके सामने एक पूरी रिपोर्ट दिखाओ कि देखो पापा ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ करके मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, ये करके मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो ऐसे दिखाओगे, वो इंप्रेस होंगे पहले तो तुमसे कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा मैच्योर हो चुका है, वो अपने करियर के लिए सीरियस है। तो उस चीज़ को लेके तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी मान जाएंगे, बच्चों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, पर तुम एक रिपोर्ट तैयार करोगे अच्छी सी, एक एक्सप्रेसिव इंप्रेसिव दोगे, मान जाएंगे। तो ऐसे करके ना अपना दायरा बढ़ाओ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। खाली ये चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गूगल पे लिखोगे करियर ऑप्शंस इन साइंस, लाइन लगा के आ जाएंगे भाई साहब, थक जाओगे देख देख के। पर तुम्हें उनमें से एक चूज करना है, उस गोल को फिक्स करना है, उसको जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए जितने रास्ते हैं उन रास्तों में से सबसे आसान रास्ता जो है उसको पकड़ के उस गोल को फोड़ना है, ठीक है ना। इसके बाद खूब वीडियोस आएंगी तुम्हारे करियर ऑप्शंस पे, अभी मैं अच्छी वीडियोस बनाना चाह रहा हूं, उसमें थोड़ा देर लग जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, ठीक है, वायरस से सेफ रहना, बाय बाय।